खाना बगा रहा हूँ, पैसा बगाते नीचे नमक हल्दी सब डाले उसमें, अब तेल डाले टमाटर डाल सकते हैं बट हम नहीं डाल, बटा 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 मैं तो नहीं डालती, डालने वाला डालेंगे छोड़ो। सालन पकाना देर होता मेरे को, थोड़ा तबियत भी अच्छी नहीं रह रही, दो तीन दिनों आज कल थोड़ा अच्छी रही थी, आज तो बच्चे बराबर कुछ पानी आता कमजोर ये हो रहा। इतना हुआ इतना लाल हो गया, अभी ज़्यादा लक्का आला कर रहा बोलते बस हम लोग आज खाने वाले हैं ना, इतना अभी खान ये मिक्स करें ना, मिर्ची नमक बनाना वाले को पसंद है, एक को पसंद है, एक जनक पसंद है फुलेहोगर, खट्टा वो दाल को बनाता है अच्छा होता, नींबू दाल को प्यासा नींबू। सुबह का नाश्ता अभी हो रहा है, बाद में फिर दोपहर को कुछ पकाना, सालन पकाना देखो तो जब तब नाश्ता करके काम को जाने वाले जाते, टाइम भी हो रहे उनको मोशन को काम पर जाना है। खाना भी होगा फिर कुछ तो बनाना था, अब तो होगा तो पकाना ये होगा, फिर बाद में कुछ तो पकाना पड़ेगा, लेकिन क्या पकाना करते हैं उसको फिर पकाने का भी होगा, लेकिन चार जा रहे थे फ्रेंड्स हेलीकॉप्टर दिख रहा है नहीं दिखता। क्या करे शाना? आलू कट करे, अब आलू का सालन बनाते, उधर टमाटर भी काट के रखी, चॉप करके रखी। अच्छा पका रहे तुम्हें से बोला था? हाँ नहीं फिर आलू काट रहे, टमाटर कट कर रहे, अब हो गए आलू सालन पकाते, खाना भी पकाते बोले। आज आलू का सालन में बना बाबू साउंड कैमरा।
ठीक है फ्रेंड्स, आलू कट रहे करते हैं। आलू अब सालन और सन्ना बनाते हैं आज। बोलो बोलो, हमारा बच्चा केक बने तो कमेंट में बोले, तो कमेंट में भी नहीं बोले। मेरा बच्चे सालन बने तो कमेंट में बोले तो भी नहीं बोल रहे, इसलिए अब मैं अब नहीं बोलते। अब बना बेटा अच्छा सालन बना। ठीक है सालन बना, तुमको मिलती है। देखो फ्रेंड्स, गैस ऑन करके गैस के ऊपर भगोना रखे, फिर अब तेल डाल रहे हैं। दो पहली दाली में अब तेल गर्म होने तक वेट कर। गरम हो गया तेल तो अब राया जीरा डालूं, थोड़ा राया जीरा डालूं फ्रेंड्स, बस एक चम्मच मतलब थोड़ा। अब ये चटपट चटपट बोलो। इधर चावल भी चढ़ा दी फ्रेंड्स, में सालन बना रख, चावल भी पक जाता। प्याज डाल दूंगा देखो फ्रेंड्स, प्याज फ्रेंड्स। टमाटे भी काट के रखी थी मैं जब भी शॉपर में, तो अब टमाटे डाल। देखो तेल तो फुल गरम हो गया, प्याज भी डाल दी इसमें, थोड़ा फ्राई हो गया और थोड़ा फ्राई होना इसमें। करिया पाक डालना फ्रेंड्स, देखो फ्रेंड्स टमाटे डाल दिए। थोड़ा मिक्स कर लेना आपको, थोड़ा अदरक लहसुन डाल लेना फ्रेंड्स, अदरक लहसुन डाल लेके थोड़ा फ्राई करना। अच्छा मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। फ्रेंड्स देखो पानी नहीं डाले तो इसमें टमाटे का पानी और प्याज का पानी कितना। टमाटा अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद में इसमें आलू डाल दूंगी,
अंदर आलू भी कट करके रखी थी यहाँ बीच में, उसको अच्छा धो लिए। चलो अभी फ्राई हो रहा है, आलू डालो। चलो आलू डालेंगे फ्रेंड्स। कितने बारीक कट करे हो फ्रेंड्स में, दो से तीन आलू ली थी मैं तो। हो गया, अच्छे से मिक्स कर लेना इसको। इसके बाद में मसाले डाल दो। चलो आलू भगोने में जा चुके हैं, अब इसमें मसाले ऐड करने के। चलो आलू तो इसमें चले गए फ्रेंड्स, अब नमक डाल दें। नमक आपके हिसाब से, तो मैं अपन के हिसाब से डालू एक। अब लाल मिर्ची, वन एंड हाफ, और हल्दी वन टेबल स्पून, थोड़ा सा गरम मसाला ऐड कर लीजिए, थोड़ा मतलब थोड़ा, और धनिया पाउडर। धनिया पाउडर टेस्ट डालने की वजह से टेस्ट बहुत मस्त रहेगा। बस चलो तो मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, क्योंकि ये पूरा मसाले जो है ना आलू से अच्छे, आलू से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। आज का लंच मैं बना रही हूँ, देखो फ्रेंड्स, आलू करी। अब तरीके से इसमें पकने के बाद में इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना, थोड़ा। तो देखिए गाइस, पानी ऐड करी। पानी ऐड करने के बाद में अच्छे से थोड़ा मिक्स कर लेना फ्रेंड्स, और इसको थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देना। आलू भी बहुत अच्छी तरीके से गला लेना इसको। चलो अब आलू गलने तक के वेट करेंगे अपन, जब तक के लिए बाय। फ्रेंड्स आलू गल गया, और आलू गला क्या नहीं देखेंगे फ्रेंड्स, आलू गल गए फ्रेंड्स। गलने के बाद में आपको कितना शेरवाना उतना पानी डालना, तो मैं पानी डाल दूँ बस। देखो फ्रेंड्स मैं कितना शेरवाना उतना शेरवा बना दी। मम्मी की तबीयत खराब है बोल के, इसलिए मैं बनाया आज आलू का सालन, और खाना भी बन गया। इधर मम्मी को बुखार रही तो बर्तन भी धो दी, और झाड़ू पोछा सो हो। सालन मैं कैसा बनाई आप कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बोलो। ठीक है फ्रेंड्स, खाना खाते वक्त मिलते हैं फिर। चलो अभी थोड़ा पकना करके बोलते, अभी पानी डाल लेना मैं। चलो खाना खाते वक्त मिलते फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स खाना खा रहे, टेस्ट करता हूँ। बना बनाया साला,
भैया आते वक्त थोड़ा दरवाजा आगे कर। ऊपर ऐसा भी बना दे जाना। हाँ फोन पर मर्जी में खाना खाएगा।